हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एमरो सैक इन डिटेल। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमरो सैक के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में फुल डिटेल चाहिए तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो के एंड तक बने रहना, जैसे आप पिक्चर के एंड तक बने रहते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में। इसके बारे में मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो क्या था कि वही जो टॉपिक था हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस, वो इससे लिंक करता है। मतलब हमारा, देखिए, हमारा जो मेगा स्पोर मदर सेल है, ठीक है, आपका मेगा स्पोर मदर सेल, अब ये क्या है, ये आगे चल करके म्यूसिस करेगा। मैं प्रीवियस लेक्चर पर थोड़ा रिकॉर्ड डाल रहा हूं जिससे कि आपका जो ये वाला कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, कहीं भी आपको डाउट नहीं रहे। ये क्या करता था, म्यूसिस करता था, इसे रिडक्शन में ये कहते थे। अब ये फोर मेगा स्पोर फॉर्म करेगा, क्या करेगा, फोर मेगा स्पोर फॉर्म करेगा। अब जब ये मेगा स्पोर फॉर्म कर चुका है फोर, तो अब क्या होगा, अब इसमें जो थ्री मेगा स्पोर्स हैं वो क्या कर जाएंगे, डिजर्नेट कर जाएंगे, मतलब एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इनका आगे चल करके कोई भी काम नहीं है। तो क्या हुआ, These three megaspores will have to disseminate. अब इसमें से जो एक megaspore है, इसका आगे काम है। मतलब जो आपका ये megaspore है, वो functional है। Functional मतलब ये maturity gain कर सकता है और आपका आगे develop होगा और development show करके ये कहाँ पहुंचेगा, सीधे embryo से। मतलब इसकी initial stage तो megaspore का एक cell है, but The final stage is embryo cell. सीधे एक मेगा स्पोर सेल से ये अपना एक एम्ब्रियो सेल का स्ट्रक्चर डेवलप कर लेगा। कैसे, ये मैच्योरिटी गेन करेगा, डेवलपमेंट शो करेगा, तभी तो आकर के एम्ब्रियो सेल का स्ट्रक्चर बनाएगा। अब यहां से लेकर के यहां तक क्या होता है, इस लेक्चर में हम वही बात करने वाले हैं। ये था आपका प्रीवियस लेक्चर का, जो कि मैंने बहुत ही शॉर्ट डिटेल आपको बता दिया है। अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो आपको वो वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अच्छा है अगर आपने वो वीडियो देख रखी है, मैंने यहाँ पे बता दिया है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को बनाऊंगा मैं। अब यहाँ पे एक मेगा स्पोर है, इसको मैं जूम करके थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। चलो देखिए, ये आपका क्या है, मेगा स्पोर है मान, ठीक है, ये आपका एक मेगा स्पोर सेल है जो कि मैंने थोड़ा सा बड़ा करके बना दिया है। अब इसके पास एक खुद का न्यूक्लियस है, ओके अब इसके बाद इसका खुद का न्यूक्लियस है, ये आपका मेगास्पोर सेल है। तो क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर होगा ये न्यूक्लियर डिवीजन शो करेगा। मतलब ये न्यूक्लियस है तो ये अपना क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्या आपका न्यूक्लियस। अगर आपका ये एक न्यूक्लियस है तो आगे चल करके ये दो न्यूक्लियस बना देगा, ठीक है। अब ये दो न्यूक्लियस आगे चल करके चार न्यूक्लियस बना देंगे। अब ऐसे ही करते करते ये क्या होगा, न्यूक्लियस डिवीजन यहां पर शो करेगा। अब देखो, अब इस न्यूक्लियस क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। देखो, आप सबने सुन रखा होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियर डिवीजन के नाम से यहां पर एक वर्ड ऐड हो चुका है, उसे हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब इस फ्री का मतलब क्या है, आपके मन में सवाल उठा होगा ना कि फ्री का मतलब क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। देखिए, अब मैं बताऊंगा, थोड़ा सा इसको पर ध्यान देना आप, ठीक है। अब ये आपका न्यूक्लियस है, अब ये क्या होगा, ये दो में डिवाइड होगा और जो दोनों ही न्यूक्लियस हैं आपके, वो अलग अलग पोज पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, जैसे ये पहुंच चुके हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियस था, वो दो में कन्वर्ट हो गया डिवाइड होकर के, अब दोनों ही जो न्यूक्लियस हैं आपके अलग अलग अपोजिट पोज पर पहुंच चुके हैं। अब क्या होगा, अब ये जो दो न्यूक्लियस हैं वो फिर डिवाइड करेंगे, अब ये दोबारा डिवाइड करके ये चार न्यूक्लियस फॉर्म कर देंगे, ठीक है। अब ये दोबारा डिवाइड करेंगे, अब ये दो से हो जाएंगे चार और ये भी हो जाएंगे चार। अब क्या था, ये आपका पहले क्या था, एक मेगा स्पोर सेल था। अब ये मेगा स्पोर सेल से क्या है, ये डेवलपमेंट स्टेज की चालू हो चुकी है। अब ये क्या बनाएगा, आपका एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम क्या होता है, मैंने आपको बताया था, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट मतलब जो एग सेल कंटेन करता है, ठीक है,
उसे बोलते हैं गेमेटोफाइट। अब मेल के केस में क्या होता था, यह पर रिवीजन हो रहा है, ठीक है, मेल केस में होता था आपका मेल गेमेटोफाइट, उसका नाम होता था पोलन ग्रेन्स, जो कि पोलन ग्रेन्स होते थे आपके मेल गैमेट्स कंटेन करते थे। उसी तरह इसमें क्या है, जो आपका एम्ब्रोसैक है वो आपका फीमेल गैमेट कंटेन करता है। इसी के अंदर एम्ब्रोसैक के अंदर आपका क्या आएगा, पोलन्स आएंगे, वो डिटेल में मैं आगे बात करने वाला हूं, पहले इस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, पहले क्या था आपके पास, एक न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस से इसने दो न्यूक्लियस बनाया, मतलब टू न्यूक्लिएटेड स्टेज हो गई इसकी, ठीक है, दो न्यूक्लियस थे फिर क्या हो गया, ये टू न्यूक्लिएटेड स्टेज हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, दो न्यूक्लियस जो थे वो आपके आगे चल करके डिवाइड करेंगे, फिर आगे चलेगा क्या हो जाएगा, आठ। अब ये क्या हो गया, एट न्यूक्लिएटेड स्टेज, इसे क्या बोलते हैं, एट न्यूक्लिएटेड स्टेज, ये आप क्या होगा, एट न्यूक्लिएटेड स्टेज। अब क्या होगा, अब जाके आठ न्यूक्लियस बन गए, ये क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, ओके। अब क्या होगा, इसमें आगे चल करके ये हर एक, अब मैं इसको एक वर्ड, इस वर्ड को डिफाइन करने वाला हूं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन को, ये फ्री क्यों लगाया यहां पर, देखिए यहां पर आपको ये न्यूक्लियस दिख रहे हैं, यहां पर आठ न्यूक्लियस हैं। अब इस आठ न्यूक्लियस के पास अपनी खुद की ओन कवरिंग नहीं है, देख सकते हो हर एक न्यूक्लियस के पास अपनी खुद की कवरिंग तो बिल्कुल नहीं है, तो क्या है, या कोई जो आठ न्यूक्लियस हैं उसके पास एक कवरिंग है, मतलब वो कंबाइंड फॉर्म में है, सबकी एक कवरिंग है, जो आपकी ये आउटर कवरिंग आपको दिख रही है, ठीक है, इसीलिए कहते हैं इसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, कि हर एक न्यूक्लियस के पास खुद की कवरिंग ना होना। अब ये क्या करेंगे, अब ये मैच्योरिटी गेन करेंगे, डेवलपमेंट शो करेंगे, अब क्या होगा कि ये अपनी खुद की कवरिंग डेवलप करने वाले हैं, खुद की लेयर, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं, अब देखिए ये मैं प्रॉपर किसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, एम्ब्रोसैक का, क्योंकि आपको मेगास्पोर सेल था वो मेगास्पोर सेल नहीं रहा, अब वो एम्ब्रोसैक में कन्वर्ट होता जा रहा है, क्योंकि यहां पर एक न्यूक्लिएटेड स्टेज आ चुकी है, ठीक है, डेवलपमेंट शो हो रहा है। अब क्या होगा, देखो ये आपका प्रॉपर एम्ब्रोसैक, ओके अब इन आठ न्यूक्लियस को मुझे क्या करनी है, अपनी खुद की कवरिंग प्रोवाइड करानी है। तो देखो ये आपका एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दे रखा है, आप वहां से देख सकते हो, इसे बोलते हैं हम चलाजल पोर्शन, ये बोलते हैं चलाजल एंड, और इसे बोलते हैं हम माइक्रोपाइलर, ठीक है, इसे बोलते हैं माइक्रोपाइलर, इसको आप पढ़ दूं, ठीक है। अब इन आठ न्यूक्लियस को मुझे सेपरेट करना है, मतलब खुद की कवरिंग देनी है, तो चलाजल एंड पर ये तीन सेल होते हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम एंटीपोडाल्स, आपने सुना होगा नाम, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम एंटीपोडाल्स, एंटीपोडाल सेल्स, इन्हें क्या बोलते हैं, चलाजल एंड पर ये तीन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें बोलते हैं एंटीपोडाल सेल्स। देखिए हमारे तीन न्यूक्लियस के पास अपनी खुद की कवरिंग यहां पर आ चुकी है, देख लो आप, इस न्यूक्लियस के पास अपनी खुद की कवरिंग, इस न्यूक्लियस के पास अपनी खुद की कवरिंग, इस न्यूक्लियस के पास अपनी खुद की कवरिंग, ठीक है। अब क्या होगा, माइक्रोपाइलर एंड पर भी हमारे दो सेल को न्यूक्लियस दिया जाएगा, ये आपके क्या हो जाएंगे, अब ये आपके क्या है, तीन न्यूक्लियस यहां पे हो गए, दो न्यूक्लियस यहां पे हो गए, अब इनको क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम सिनर्जिड्स, इन्हें बोलते हैं हम सिनर्जिड्स, और इन्हें बोलते हैं एंटीपोडाल्स सेल्स। अब बिल्कुल इसके जस्ट यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, इन्हें बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई,
देखिए यहाँ पर इसकी खुद की कम सेल वॉल डेवलप हो चुकी है, ये इसकी खुद की क्या है, सेल वॉल डेवलपमेंट है। आप इसको ऐसे कर लेना कि यहाँ सेल वॉल में डेवलप हो चुकी है। ओके, या कि पोलर न्यूक्लिया हुई, इसके जस्ट यहां पर क्या होता है, बिल्कुल यहां पर ये एक्सेल प्लेट होता है, ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेल। अब हमारी आठों न्यूक्लियस के पास अपनी खुद की कवरिंग हो चुकी है, ठीक है, आप देख सकते हो ये दो न्यूक्लियस यहां पर आ गए जिन्हें हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ये हमारे तीन न्यूक्लियस यहां पर आ गए जिनकी खुद की कवरिंग डेवलप हो चुकी है जिन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडाल सेल्स, ये हमारे यहाँ पर दो न्यूक्लियस थे जो कि खुद की डेवलप मतलब कवरिंग करके बैठ चुके हैं आराम से, उन्हें बोलते हैं हम सिनर्जेट्स। सिनर्जेट्स के जस्ट ऊपर के आप आओगे तो यहाँ पर ये क्या है एक्सेल, उसके पास एक्सेल के पास न्यूक्लियस है, देख सकते हो तीन न्यूक्लियस ये हो गए, दो ये हो गए, कितने हो गए पांच, और पांच और तीन आठ, यहाँ पर मैं क्या कर दिया आठों न्यूक्लियस को अपना स्थान दे दिया यहाँ पर बिल्कुल सम्मानित, ठीक है। अब क्या होगा, सॉरी सॉरी, अब क्या होने वाला है कि ये जो मतलब आपके जितने भी सेल्स हैं एंटीपोडल सेल्स एक्सेल सिनेट्रिट्स को छोड़ करके जितना भी स्पेस इसमें बचा हुआ है उसे बोलते हैं हम सेंट्रल सेल्स, क्या बोलते हैं सेंट्रल सेल्स। अब ये आपका पूरा डेवलपमेंट हो चुका है, और एक बात हमें ध्यान रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि ये यहां पर एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे बोलते हैं हम फिलिपोर्म अपरेटस, इसका बहुत बड़ा रोल है यहां पर, यहां पर मेन मेन रोल जो होता है ना बिल्कुल वही प्ले करता है, कौन फिलिपोर्म अपरेटस। तो इसको यहां कहां करूं, चलो इस पर जगह तो बची नहीं है तो मैं इसका नाम यहां लिखता हूं, देखिए ये जो है फिलिपोर्म अपरेटस है, ये ऐसे करता हूं फिलिपोर्म अपरेटस। ओके, मैं इसको रफ कर देता हूँ स्ट्रक्चर को जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। देखिए फिलिपोर्म अपरेटस का मैं रोल बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है, देखिए जो आपके फिलिपोर्म अपरेटस है ना जो कि आपको एंट्री प्रोवाइड करा रहे हैं कहां पर सिनर्जिट सेल्स में, अब क्या होगा या कोई जो आपके फिलिपोर्म अपरेटस हैं वो आपको गाइडेंस देते हैं, आपको नहीं उसको पोलन ग्रेन्स को, ठीक है, पोलन ग्रेन्स को गाइडेंस देते हैं कि एंटर करें वो कहां पर सिनर्जिट्स के अंदर, क्यों हम ये सारे प्रोसेस किस लिए कर रहे हैं, वही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाए उसी के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, ठीक है, अगर वही नहीं होगी तो उसका मतलब क्या होगा फिर। इसलिए यहाँ पर फिलिपोर्म अपरेटस का रोल क्या है, इट प्रोवाइड गाइडेंस टू पोलन ट्यूब, प्रोवाइड गाइडेंस, सही राह दिखाती है उसको, इसको इधर से जाओ, प्रोवाइड गाइडेंस टू पोलन ट्यूब से सारे कौन आ रहे हैं हमारे पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स पर सीधे एंट्री किसमें करेंगे फिलिपोर्म अपरेटस के सारे हमारे सिनर्जिट्स के अंदर, और सिनर्जिट्स के अंदर जैसे ही आ जाएंगे सुई उसी समय हमारी कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होगी फर्टिलाइजेशन, मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो आने वाली है तो चिंता मत करें बिल्कुल भी। तो ये था पूरा एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर के बारे में, आई होप आप सब समझ आ चुका होगा, तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल दे देता हूँ, 2 से 3 मिनट में रिवाइज हो जाएगा आपका। चलिए बात करते हैं, पहले क्या था हमारा एक मेगास्पोर सेल था, सॉरी एमएमसी था, उसने क्या किया म्यूसिस होगी, म्यूसिस के बाद उसने चार सेल्स बनाए, चार सेल्स में से जो मेगास्पोर थे हमारे 3 मेगास्पोर्स क्या हो गए डिजर्नेट हो गए, और उसमें से 1 मेगास्पोर्स बचा, अब 1 मेगास्पोर्स क्या फॉर्म करने वाला है हमारा एम्ब्रोसैक, अब वो एम्ब्रोसैक जो फॉर्म करेगा उसके बीच की जो डेवलपमेंट स्टेज है वो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाई थी कि एक न्यूक्लियस था वहां पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा,
फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद क्या होता है, दो में कन्वर्ट हो जाएगा, दो के बाद चार बनेंगे, चार के बाद आठ बन जाएंगे, उसे बोलते हैं हम एट न्यूक्लियेटेड स्टेज। क्या बोलते हैं? एट न्यूक्लियेटेड स्टेज। अब फिर क्या होगा, अब आठों न्यूक्लियस को हम एक अपनी खुद की कवरिंग प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो तीन सेल्स तो यहां पर आ गए न्यूक्लियस के साथ, उन्हें बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। दो न्यूक्लियस यहां पर पहुंच गए अपनी खुद की कवरिंग के साथ, उन्हें बोलते हैं हम सिनर्जिड्स। और ठीक उसके पास में ये एग सेल है। अब देखो एक बात बताना भूल गया मैं, सॉरी, एग सेल को और सिनर्जिड्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं हमारे एग अपरेटस। क्या फॉर्म करते हैं? एग अपरेटस, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, एग अपरेटस फॉर्म करते हैं। अब ये हमारे ठीक इसके यहां पर, इसे बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। अब क्या है, एक बात बताऊंगा, यह बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये बहुत बार नीट एम्स में आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, मतलब इस पूरे टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछने वाला हूँ। यहाँ पर एट तो न्यूक्लियस है, सेल्स कितने हैं, क्या कोई बता सकता है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, मैं इसको बताऊंगा यहाँ पर, अगर जो कोई बता देगा तो मैं इसको नाम अगले लेक्चर में जरूर लूंगा कि हाँ इस बच्चे ने इसका नाम सही बताया कि इसमें कितने सेल है, ठीक है। तो ये तो हो गया एट न्यूक्लियेटेड और सेवन, मैं नहीं बता रहा इसमें कितने सेल हैं, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको अगली जो भी वीडियो है वो आती रहेगी। चलिए, थैंक यू।